कहानी के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुर्तजा खान। आज इस एपिसोड में बात करेंगे उन आरोपियों के बारे में जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 9 अगस्त 2019 को जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया यानी तोड़ा, वो गैर कानूनी था। अब दोस्तों इस मामले में जो जिन लोगों ने के बाबरी मस्जिद को शहीद किया था यानी तोड़ा था, 32 आरोपी हैं। 32 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में केस चल रहा है। दोस्तों बीजेपी के 4 बड़े नेता भी हैं जिनके खिलाफ केस चल रहा है। वो 4 नेता हैं लाल किरिश अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उस टाइम के मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। दोस्तों 12 फरवरी 2001 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला भी दिया था, पर इन 4 आरोपियों को बरी कर दिया था। कह दिया था कि इनकी कोई भी साजिश नहीं थी बाबरी मस्जिद को तोड़ने के अंदर, जो वक्त बाबरी मस्जिद को तोड़ा था 6 दिसंबर 1992। दोस्तों क्या है पूरा मामला, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। दोस्तों बाबरी सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचे के विस्फोट को अपराध कहा था, जैसे मैंने आपको बताया। कोर्ट के मुताबिक बाबरी विस्फोट की घटना ने संविधान के धर्म निरपेक्ष ताना बाना को हिलाकर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वीआईपी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को बहाल करने की सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया था। साथ ही अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 फरवरी 2001 के फैसले में अडवाणी और अन्य के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में हटा देने को गलत करार कर दिया था। बाबरी मस्जिद विस्फोट केस में सीबीआई की विशेष अदालत 30 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। सीबीआई कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने बुधवार को इस मामले में अंतिम फैसला देने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। दोस्तों 30 सितंबर को सुरेंद्र कुमार यादव जो फैसला सुनाएंगे इस मामले पे, उन्होंने कह दिया है कि 30 सितंबर लास्ट डेट है, हम 30 सितंबर को इन मामले पर फैसला सुनाएंगे। इस मामले में कुल 32 आरोपी हैं जिनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल किरिश अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित अन्य लोगों के नाम शामिल है। इस महीने की शुरुआत में सीबीआई अदालत ने सभी 32 आरोपियों के बयान दर्ज करके मामले में सभी कार्रवाई पूरी कर ली थी और अब 30 तारीख को अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 32 आरोपियों जिसमें से 4 बड़े वीवीआईपी बीजेपी के नेता हैं जिनके खिलाफ केस चल रहा है, और 30 सितंबर को लास्ट डेट है जो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को विशेष अदालत को आदेश दिए कि 30 सितंबर तक आप लास्ट फैसला सुनाइए। बहुत टल गया, अब 27 साल के बाद अब फैसला आने की उम्मीद है कि 30 सितंबर को इस पर फैसला आ जाएगा। चलिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों आपको पता चल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।